शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नीम का थाना में भामाशाह द्वारा एक संस्कृत विद्यालय के जीर्णोद्वार भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत भाषा को और ज्यादा सीखने की जरूरत है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीनियर स्कूल में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। वहीं सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने भी स्कूल में 5 कमरों का निर्माण करवाने की घोषणा की। डीडी रचना जी ने इस विद्यालय के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि जीर्ण शीर्णता उसको जीर्णोद्धार 58 लाख रुपए लगाकर कराया। और जब मैंने ये कहा कि इसको वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय घोषित करेंगे तो उन्होंने कहा 10 कमरे और बनाऊंगी और प्रेम सिंह जी बाजोर साहब ने कहा 5 कमरे मैं बनाऊंगा, कर्ण सिंह जी ने कहा 5 कमरे मैं बनाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है और रचना दीदी की प्रेरणा है कि दोनों में भी इस प्रकार का भाव जागृत हुआ कि हम संस्कृत के शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत काम करेंगे। शिक्षा ऐसी एक चीज है, शिक्षा से इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो भी हम सही काम करते हैं कार्य करते हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क पे आते हैं। और गाँव के प्रति समर्पण होना तो बहुत जरूरी था क्योंकि देश के खातिर हमें भी कुछ करना चाहिए। जो सैनिक बॉर्डर पे है वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम हमारा कर्तव्य निभा के उनको हमारी तरफ से एक सलामी दें।